नमस्कार दोस्तों, आज का ये केस सभी को देखना चाहिए। जो डॉक्टर्स है, जो स्टूडेंट्स है, वो तो देखेंगे, मुझे पता है, लेकिन जो होम्योपैथिक लवर्स है, जो लोग होम्योपैथी को फॉलो करते हैं या लवर्स नहीं भी है, जिनको लगता है कि होम्योपैथी काम नहीं करता, होम्योपैथी बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उन लोगों को भी देखना चाहिए कि हम लोग होम्योपैथी में कौन सा एंगल से मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, किस तरह से पेशेंट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। जो एक जेन्युइन होम्योपैथ है, किस तरह से अपना पेशेंट को ठीक कर सकता है, ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल देखना चाहिए। 7 से 8 मिनट का मेरे ख्याल से वीडियो होगा, बिल्कुल इस वीडियो को देखिए। ये जो आप पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को बेसिकली 5-6 समस्या डेवलप हुआ है। बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, मॉर्निंग इरेक्शन ठीक से नहीं आता है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है, गर्दन में पेन होता है, दर्द होता है, हाथ पैर में जलन होता है, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता है, एंजाइटी डेवलप हो चुका है, एंजाइटी न्यूरोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, साथ ही साथ नींद इनको नहीं आता है, सोने का मन नहीं करता है, रात को नींद नहीं आता है और चक्कर भी इनको आता है। तो ये तमाम समस्याएं इनका अंदर थी नहीं इससे पहले, ये अचानक डेवलप हुआ है पिछले 2 महीने में। एक्चुअली ये पेशेंट किसी अपना फ्रेंड जो कि अस्पताल में एडमिट था, उसको देखने के लिए हुआ गया था। उसको देख के वो रिटर्न आ ही रहा था, देख के रिटर्न आते वक्त इनका आंख के सामने कोई एक नौजवान का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया, और ये एक्सीडेंट उसका आंख के सामने सब कुछ घटा। ब्लड वगैरह सब कुछ देखने के बाद उनसे सहम नहीं हुआ, उनको वहीं पर चक्कर जैसा फील होना स्टार्ट हो गया, उल्टी जैसा आना स्टार्ट हो गया, उसको वो देख के विचलित होना उसका मन स्टार्ट हो गया। घर वापस आने लायक नहीं था ये पेशेंट, किसी प्रकार घर तो वो आ गया, लेकिन वो इंसिडेंट को अपना आंख के सामने देखने के बाद से ही इनका अंदर रात का नींद गायब हो गया, इनको भूख प्यास अब लगना बंद हो गया, इनका गर्दन में पेन, जो स्पॉन्डिलाइसिस का जो पेन है, वो स्टार्ट हो गया। ये अक्सर होता है डोपामाइन घट जाने के कारण से। डोपामाइन जो हार्मोन है, ये हमें रिलैक्स फील कराता है, अच्छा फील कराता है। एंडोमॉर्फिन जो हार्मोन है, अच्छा फील कराता है, ये घट जाता है तभी इस तरह का कंडीशन डेवलप हो जाता है हमारा अंदर। तो इस पेशेंट का अंदर अब जीने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इनका शादी सामने होने वाला है, 8 से 4-6 महीने बाद शादी है। इस बात को सोच सोच के और वो परेशान हो रहा है कि मेरा शादी सामने है, मैं कैसे शादी करूँगा। जो फियांसे उससे बात तक करना बंद कर दिया है, उसको बात करने भी मन नहीं करता है। यानी जो कंडीशन डेवलप हो गया है उसको देख के ये डर गए हैं। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट आफ्टर, हम लोग रूबरिक इसका देखेंगे कि वहाँ कौन कौन सी मेडिसिन है। वहाँ बेसिकली जो मेडिसिन का नाम दिया गया होगा वो है एकोनाइट, इग्नेशिया, नेट्रमोर, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, एसिड फॉस, ओपियम, साइलेशिया, सीपिया, इस तरह के मेडिसिन वहाँ बिल्कुल होगी, मुझे पता है। लेकिन इस पेशेंट को जो मेडिसिन मैं प्रेस्क्राइब किया हूँ वो है मेडोराइनम। आज से 2 महीना पहले इस पेशेंट को मैं मेडोराइनम प्रेस्क्राइब किया था, 0/1, 2, 3, 4। मेडोराइनम से ये पेशेंट पूरी तरह क्योर हो चुका है। जो इनका अंदर जो डर था, जो फ्राइट था, वो फ्राइट पूरी तरह घट चुका है। सब कुछ अब बेटर फील होना स्टार्ट हो चुका है। हाथ पैर में जलन कम हो गया है, सर दर्द कम हो चुका है, रात को नींद आ रहा है, गर्दन का दर्द कम हो गया है, चक्कर नहीं आता है। यानी पहले की तरह जो लाइफ जो था वो अब फिर से दोबारा आना स्टार्ट हो चुका है। पेशेंट का फीडबैक आप पढ़ सकते हैं, पेशेंट ने क्या लिखा है, डॉक्टर साहब अब मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ, पेशेंट ने खुद लिखा है। इरेक्शन भी आना स्टार्ट हो चुका है, मॉर्निंग इरेक्शन भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो मेडोराइनम मैं क्यों प्रेस्क्राइब किया हूँ इस पेशेंट को, जबकि करंट रेपर्टरी में तो मेडोराइनम कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन मेरा प्रेस्क्रिप्शन था मेडोराइनम, ये मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये मैं करंट रेपर्टरी आप लोगों के लिए खोल कर रखा हूँ दिखाने के लिए कि जिस गाइडिंग सिम्टम का, जिस एलिमिनेटिंग सिम्टम का मैं बात कर रहा था कि एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट आफ्टर, यानी जो पेशेंट का लाइफ में जो घटना घटा, जो डर इस पेशेंट का मन में बैठ गया है, उसको ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल में रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो वहाँ कौन कौन सी मेडिसिन है, ब्लॉग लेटर में आप देख सकते हैं। जिन मेडिसिन का नाम मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, वही मेडिसिन का नाम यहाँ भी दिया गया है। एकोनाइट है,
ओपियम है, नेट्रम मूर है, लाइकोपोडियम है, नेट्रम फॉस्फोरस है, एसिड फॉस है, साइलेशिया है, पल्सटिला है। इसको छोड़कर और भी बहुत सारे मेडिसिन सेकेंड ग्रेड में है, लेकिन मेडोरेंडम का नाम कहीं भी नहीं है, ना फर्स्ट ग्रेड में ना सेकेंड ग्रेड में। ऐसा इसलिए क्योंकि मेडोरेंडम जो मेडिसिन है वो एक अंडररेटेड मेडिसिन है, और हो सकता है उस दौरान, उस समय जब केंट अपना रेपर्टरी बना रहे थे, हो सकता है उस समय मेडोरेंडम का प्रूविंग ठीक से उस समय नहीं हो पाया था। मेडोरेंडम का प्रूविंग जो है वो बाद में हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, तो उस समय नहीं हो पाया था, इसीलिए उन्होंने केंट रेपर्टरी में, यानी केंट साहब अपने रेपर्टरी में नहीं डाला है, उसको शामिल नहीं किया है। लेकिन इस पर्टिकुलर रूब्रिक में मेडोरेंडम जो है फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है, ठीक है ना। तो मैं तो इसको फर्स्ट ग्रेड में रखता हूँ मेडोरेंडम को, इस पर्टिकुलर रूब्रिक के लिए। और एक रूब्रिक है एलमेंट फ्रॉम नॉइज आफ्टर, यानी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नॉइज बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो इस पेशेंट को भी नॉइज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नॉइजी प्लेस, नॉइजी जगह पर जाने से इनको हाथ पैर कांपता है, डर लगता है। वो रूब्रिक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आप देखते रहिए। ये देखिए, ये केंट रेपर्टरी में आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि सेंसिटिव नॉइज टू, यानी नॉइज से परेशान जो लोग हो जाते हैं, तो यहाँ भी कहीं भी आप लोग देख सकते हैं कि मेडोरेंडम का नाम नहीं दिया गया है। बहुत सारे मेडिसिन ब्लॉक लेटर में है लेकिन मेडोरेंडम का नाम यहाँ कहीं भी नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर रूब्रिक के लिए भी मेडोरेंडम फर्स्ट ग्रेड में ही आता है। तो बड़े पिकुलर सिम्टम पेशेंट का अंदर मैच हुआ, एक एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट आफ्टर जो कि एलिमिनेटिंग सिम्टम है, जो कि गाइडिंग सिम्टम है, जो कि कीनोट सिम्टम है, साथ ही साथ एलिमेंट फ्रॉम नॉइज आफ्टर, नॉइजी प्लेस जाने से, नॉइजी प्लेस में जाने से, नॉइज बहुत ज़्यादा सुनने से इनको पैल्पिटेशन होता है, घबराहट होता है। ये सब अभी होना स्टार्ट हुआ, इससे पहले नहीं होता था कुछ भी, जस्ट दो महीने से वो फील कर रहा है। होम सिकनेस और एक सिम्टम है मेडोरेंडम का, घर में रहना अच्छा लगता है, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता है। हाथ पैर में जलन, ये और एक सिम्टम होता है मेडोरेंडम का। साथ ही साथ पेशेंट का पानी का प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये और एक सिम्टम है मेडोरेंडम का। पेशेंट को स्वीट खाने की क्रेविंग है, और साथ ही साथ एक हॉट पेशेंट है, मेडोरेंडम इज ए हॉट पेशेंट, हॉट रेमेडी। साथ ही साथ पेशेंट का अंदर स्वीट खाने की क्रेविंग रहता है, और फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो वहाँ साइकोटिक मैनिफेस्टेशन है। पेशेंट का जो माताजी है उनको अर्थराइटिस है, और साथ ही साथ पेशेंट को खुद को भी, ये जो सर्वाइकल स्टार्ट हो गया है, ये जो स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्ट हो गया है, ये भी साइकोटिक मैनिफेस्टेशन का अंदर ही आता है। साथ ही साथ पेशेंट के गले के आसपास बड़ा बड़ा वार्ट्स है, तो ये भी साइकोटिक है। तो यहाँ पे एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन का दरकार हमें पड़ेगा, और मेडोरेंडम इज ए ग्रेट एंटी साइकोटिक मेडिसिन। जो करस्पॉन्डिंग सिम्टम्स है वो पूरी तरह मेडोरेंडम की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो मेडोरेंडम दिए बगैर ये पेशेंट ठीक अब नहीं हो पाएगा। मेडोरेंडम ही एकमात्र एक मेडिसिन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के तौर पे आप इस पेशेंट को पूरी तरह ठीक कर देगा। तो ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है पेशेंट, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है, 75% इंप्रूवमेंट हो चुका है पेशेंट को। रिमेनिंग जो इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत बचा हुआ है ये आगे का मेडिसिन से पूरी तरह हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो से आप लोगों ने ये देख लिया है कि होम्योपैथी मेडिसिन फिक्स नहीं होता है, ये पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस वैरी करता है। अब अगर ये पेशेंट मेरे पास आके मुझे बोलते, डॉक्टर साहब मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम्स अगर मुझे नहीं बताते, सिर्फ मुझे ये बोलते कि डॉक्टर साहब मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, मुझे आप ठीक कर दो, तो इस पेशेंट को मैं वही एग्नस कैस्टस बोला होता, कैलाइडियम बोला होता, या टेस्टिस सिकार्टी खाने के लिए बोला होता, अश्वगंधा खाने के लिए बोला होता। तो क्या इन मेडिसिन से इस पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो जाता? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर ये पेशेंट क्या बोलता, डॉक्टर साहब बेकार है, होम्योपैथी काम नहीं करता है, तो मेरा बदनाम होता, साथ ही साथ होम्योपैथी का बदनाम होता। तो इस पेशेंट से मैं बात किया, पूरा थॉरली केस टेकिंग किया, प्रॉब्लम का रूट क्या है वो जानने का प्रयास किया, तब जाके जो मेडिसिन का सिलेक्शन किया वो मेडिसिन काम किया। सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए, कोई 8-10 मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं किए इस पेशेंट को, सिंगल मेडिसिन से प्रॉब्लम ठीक हो गया। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया इस मेडिसिन से, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया मॉर्निंग इरेक्शन आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा लिबिडो डेवलप होना स्टार्ट हो गया इस मेडिसिन से। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग इरेक्शन आना स्टार्ट हो गया, लिबिडो डेवलप हो गया, इरेक्शन ठीक हो गया, बाकी प्रॉब्लम में भी इंप्रूवमेंट पूरी तरह आ गया, यानी रात को नींद आ रहा है, हाथ पैर का जलन कम हो गया है, बाहर जाने का मन कर रहा है, पैल्पिटेशन घबराहट कम हो गया है,
भूख प्यास लग रहा है, गर्दन में जो पेन हो रहा था वो कम हो गया है, तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि हम जो इनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं वो टोटालिटी के बेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं, तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट पेशेंट के अंदर आना स्टार्ट हो गया है, सभी एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हम जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं पेशेंट को वो टोटालिटी के बेस पे था, वो पेशेंट के लिए मेडिसिन था, ना कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम के मेडिसिन थी, ना ही वो इंसोमेनिया की मेडिसिन थी, ना ही वो गर्दन की पेन के लिए मेडिसिन थी, ना ही वो हाथ पैर की जलन की मेडिसिन थी। जो पेशेंट मेरे पास आया था उस पेशेंट के लिए मेडिसिन था, तो पेशेंट के लिए अगर मेडिसिन अगर आप प्रिस्क्राइब करेंगे तो पेशेंट पूरी तरह क्योर हो जाएगा। पेशेंट जैसे ही पूरी तरह क्योर होगा तो उसका अंदर जो जो प्रॉब्लम्स है एट ए टाइम वो सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। ये है रियल होम्योपैथी, इसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल होम्योपैथी। 8-10 मेडिसिन, 10-15 मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्राइब करने से, बिना किसी मतलब की अक्कड़ बक्कड़ करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पेशेंट का प्रॉब्लम जिंदगी में ठीक नहीं होगा। सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा यहाँ पे। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो को अगर आप लोग अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग के मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।